देखिए, ये 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आरडी का एग्जांपल 7th है। ये प्रूफ करना 1/1 × 4 + 1/1, ये क्वेश्चन में ना जोड़ देना, ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ना, आपने कहा 16 आपने लिया नहीं, 1/4 × 7, 1/7 × 10 up to 3n − 2, 3n + 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, तरीका वही है, इसलिए बार बार वही हमको यूज करना पड़ा है। स्टेप वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, एल एच एस क्या आएगा, एल एच एस आएगा 1/1 × 4 बोले तो 1/4, आर एच एस क्या आएगा, आर एच एस को एन को वन लिखो तो 1/4 ए भी आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो जैसा कि कट कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। स्टेप टू में क्या करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू के हम इसको सही मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, 1/3k − 2 3k + 1 इज इक्वल टू k/3k + 1, ये अपने आप आएगा, प्रूफ नहीं किया इसको, हम इसको सही मान रहे हैं ना। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू k + 1, तो हम एल एच एस ले रहे हैं इसका, एल एच एस ऑफ इक्वेशन वन, टेकिंग फॉर एन इज इक्वल टू k + 1 लिखिए, तो क्या आएगा, यह आएगा 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस, देखो थोड़ा और आगे बढ़ाइए, जब यहाँ n को k + 1 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 3 × k + 1 − 2, तो 3k + 1 आएगा, नहीं आएगा, तो आएगा 1/3k + 1, और इससे 3 ज़्यादा है तो 3k + 4 हो जाएगा, और इसके पहले क्या आएगा, 1 से 4 आया, 3 कम करते जाओ, इसमें से 3 कम करोगे तो आएगा 3k − 2, और उससे 3 कम करोगे 3k + 1। देखो ये जो चीज़ है ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी है, यूज़ कर दो, यूजिंग इक्वेशन 2, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखोगे, k/3k + 1 प्लस, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब देखो सॉल्व करने में क्या होगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए, देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड को लेते, n को k+1 लिखते, तो यहां पर k+1 आता है ना, और यहां क्या आता, यहां आता 3k + 1 + 1, तो 3k + 4 आता, यही आना चाहिए, ले लो एलसीएम, यहाँ एलसीएम क्या लिखोगे, 3k + 1 एलसीएम और 3k + 4 एलसीएम, 3k + 1 ऑलरेडी है तो k का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3k + 4 + 1, अब इसको ब्रैकेट खोल के इसको फैक्टराइज किया जाए, है ना, तो ये खोलो कितना आएगा, 3k² + 4k + 1 / 3k + 1 और ब्रैकेट में 3k + 4। अब देखो भाई ईमानदारी से हम बताएं कि हम इसके फैक्टर करेंगे नहीं, है ना, आप बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, 9th से 10th से 11th पहुंच गए हैं, इसके फैक्टर आप अपने आप करोगे, कि आएगा हम लिखे दे रहे हैं, ऊपर एक फैक्टर आएगा k+1 और एक फैक्टर आएगा 3k+1, है ना, अपने आप करेंगे अपान, और नीचे फैक्टर है 3k+1 और ये है आपका 3k+4, तो ये कट गया, ये आ गया k+1/3k + 4, यही राइट हैंड साइड है, तो आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, हेंस प्रूव्ड, समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 6-8 हो गए, देखिए चूंकि एक्सप्लेनेशन देने में वीडियो लंबा हो जाता है, अगर हम पूरी एक्सरसाइज देते ना तो कम से कम 3 घंटे की एक्सरसाइज होगी, वैसे शॉर्ट में बहुत जल्दी बताया जा सकता है, तो ये 8 क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में 8 और होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में 8 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून।